नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देसी लॉजिक हब में। आशा करता हूँ आप सभी जबरदस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाली हैं। क्या ऑनलाइन गैम्बलिंग से कंपाउंडिंग पॉसिबल है? आज तक आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर, यूट्यूबर्स के थ्रू और ऑनलाइन बहुत सारे स्टेशन पे आपने देखा होगा कि कंपाउंडिंग के बारे में बहुत से लोग आपको बताते हैं कि कंपाउंडिंग इस तरीके से पॉसिबल है या कंपाउंडिंग इस तरीके से पॉसिबल है। बट हम लोग आज आपके साथ विद आर्टिकल्स, बुक्स एंड हैंड्स प्रूफ के साथ शो करने वाले हैं कि कंपाउंडिंग ऑनलाइन गैम्बलिंग के थ्रू पॉसिबल है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कंपाउंडिंग होती क्या है। फाइनेंस के वर्ल्ड में कंपाउंडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी इन्वेस्टमेंट से हुई अर्निंग को दोबारा से इन्वेस्ट करता है, जिससे आपकी वेल्थ काफी अच्छी होती है, जिससे आपका प्रॉफिट काफी अच्छा होता है। और ये कॉन्सेप्ट गैम्बलिंग पर थ्योरिकली चलता है, बट कैसे, तो आइए देखते हैं। प्लेयर्स मैक्सिमम टाइम अपनी विनिंग्स को कंपाउंड करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कुछ टॉपिक के बारे में। जैसे कि मार्टिंगल, रिवर्स मार्टिंगल, पैरेले, ऑप्टिमल बैटिंग स्ट्रेटजी, कैली क्रिएशन और फिबोनाची। इन टॉपिक्स के बारे में आगे डीपली समझाऊंगा, पर इन टॉपिक्स को सुनने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, क्या ये सीरियसली सेफ है कंपाउंडिंग करने के लिए? आगे देखेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं कौन लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि हाँ सीरियसली मैं उन्होंने कंपाउंडिंग पॉसिबल करके दिखाएंगे, प्रैक्टिकली उन्होंने कंपाउंडिंग करी है। इन लोगों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और चलते हैं उन आर्टिकल्स की तरफ। दोस्तों, मेरा सबसे पहला एग्जांपल है अटलांटिका का, जहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस पेट्रिशिया का एग्जाम्पल आता है, जिसने वोरगाटा कैसीनो में क्रैप में अपनी विनिंग को कंपाउंड में चेंज किया। पूरे 4 घंटे 18 मिनट उसने अपना विनिंग टाइमिंग रखा, जिसमें उसने $1,00,000 की विनिंग करी और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इसका आर्टिकल मैं अपने लिंक में दे रहा हूँ वीडियो के, वहां पे जाके आप पूरा पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों, सेकेंड एग्जाम्पल है मेरा क्रिश का, क्रिश मनी मेकर। जी हाँ, ये एक अकाउंटेंट थे जिन्होंने $86 से टूर्नामेंट में एंट्री ली। ये कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं था दोस्तों, ये वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर था, जो पोकर्स की जो कम्युनिटीज थी ना उनमें लैंडमार्क माना जाता था। इसको जीतने के बाद इन्होंने 2.5 मिलियन का प्राइस जीता और उस प्राइस को आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में यूज किया और वहां पे अपनी कंपाउंडिंग पॉसिबल करके दिखाई। और इसके बाद से इनको पोकर का स्टार माना जाने लगा। और इनका भी जो आर्टिकल था उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और इनको भी आप जरूर पढ़ें। इनको भी आप समझने के बाद काफी हद तक समझ पाएंगे कंपाउंडिंग किस तरीके से पॉसिबल होती है। इन लोगों के डिसिप्लिन से आप सीख पाएंगे, इनके मैनेजमेंट से आप सीख पाएंगे। तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा एग्जाम्पल मेरा कर्टिस वुडहाउस का, जो एक प्रोफेशनल बॉक्सर और फुटबॉलर थे, जिन्होंने गैम्बलिंग में अपने करियर को बिल्कुल चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर डाला। कैसे? इन्होंने $62,000 गैम्बलिंग में कंपाउंड किए। उसी के साथ इन्होंने एक प्रीमियर लीग भी जीता, जिसमें इन्होंने $1.2 मिलियन जीते। इस ये चीजें, ये प्रॉफिट्स ये दिखाती हैं, हाईलाइट करती हैं कि इनकी डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी पे इनका कितना कंट्रोल रहा। दोस्तों, कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए फर्स्ट हमें जरूरत पड़ती है थ्री एक्सपर्ट्स की। थ्री एक्सपर्ट्स का इन कॉन्सेप्ट पे या कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट्स पे गैम्बलिंग के साथ क्या कहना है क्या नहीं, उसके बारे में जानेंगे। जिनमें से पहला एक्सपर्ट है गैम्बलिंग एक्सपर्ट्स, सेकेंड है मैथमेटिक एक्सपर्ट्स और थर्ड है फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। इन तीनों को मिलाकर ही आप अपनी कंपाउंडिंग की स्ट्रेटजीज आगे के लिए बना सकते हैं। तो आइए इन तीनों एक्सपर्ट्स के बारे में भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है इस कॉन्सेप्ट को लेके।
दोस्तों, गेमिंग एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो ये आपके प्रॉफिट को काफी बढ़ा सकता है। लेकिन अगर इसका तरीका सही नहीं हुआ या आप डिसिप्लिन या बैंक रोल मैनेजमेंट के बिना कंपाउंडिंग के लिए बैठते हैं या कंपाउंडिंग स्टार्ट करते हैं तो ये आपको एक काफी बड़ा लॉस दे सकता है। और ये स्मार्ट बैटिंग क्लब के थ्रू भी रिव्यू किया गया है, जिसका आर्टिकल का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूं, आप वहां पे जाके देख सकते। दोस्तों, फाइनेंशियली एक्सपर्ट के थ्रू भी जो हमें जानने को मिला वो काफी हद तक पहले वाले एक्सपर्ट से मिलता जुलता है, गैम्बलिंग एक्सपर्ट से मिलता जुलता है। क्या कि इनका कहना ये है कि इन्वेस्टमेंट चाहे आप स्टार्टअप में करें, चाहे किसी बिजनेस में करें, कहीं भी आप इन्वेस्ट करें या चाहे गैम्बलिंग में करें, इन्होंने दोनों के बीच में एक पैरेलल लाइन खींच दी है। इनका कहना यह है कि आप चाहे कहीं भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको सबसे पहले ध्यान देना है आपके मनी मैनेजमेंट पे और रिस्क मैनेजमेंट पे, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आपको इन्वेस्ट करने के टाइम पे भी जरूरत पड़ती है और गैम्बलिंग के टाइम पे भी जरूरत पड़ती है। और अगर इनका प्री प्लान स्ट्रक्चर आप लोग बनाते हैं और थ्योरिकली अगर प्रूफ कर पाते हैं कि कंपाउंडिंग पॉसिबल है, तब तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये ट्राई नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ स्मार्ट गाइड एजेस के थ्रू भी रिव्यू करके उनके अकॉर्डिंग भी यही बताया गया है कि कंपाउंडिंग को बहुत ही समझदारी के साथ करना चाहिए और अपनी हर बैट को आपको प्री प्लान होना चाहिए कि अगर फर्स्ट बैट आपकी जो भी आपका अमाउंट है, जो भी आपका परसेंटेज निकल रहा है, अगर उससे स्टार्ट होती है तो सेकेंड बैट आपकी कितने की लगने वाली है वो आपको पता होना चाहिए, उससे आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है और अगर आप सेकंड बैट में हार जाते हैं तो उससे कितना आपको लॉस होने वाला है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपके पास रेडी होना चाहिए। और इस टॉपिक का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वो भी आप प्लीज रीड आउट करिए। हमारे तीसरे एक्सपर्ट मैथमेटिक्स एक्सपर्ट, उनका कहना थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंट है और जो मुझे सही भी लगता है। उनका सबसे ज्यादा फोकस रहता है प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स पे, जो आउटकम्स की स्टेटिस्टिक्स रहती हैं, जो भी आप गेम प्ले कर रहे हैं, ये ध्यान देते हैं ज्यादा गेम ऑफ स्किल्स पर। तो वहां पे आपको दिखता होगा कि स्टेटिस्टिक्स क्या चल रही है आपकी और क्या प्रोबेबिलिटी है। हाँ, ये लोग बोलते हैं कि कंपाउंडिंग मैथमेटिक्स का पार्ट जरूर है, बट जहां गैम्बलिंग का नाम बीच में आ जाता है वहां पे इन्हें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ऑड्स पे और हाउस एजेस पे। अगर आप उसको ढंग से रिव्यू करते हैं और उसमें अगर कंटिन्यूसली चाहे स्मॉल ही सही, स्मॉल स्मॉल विनिंग ही सही, लेकिन अगर कंटिन्यूसली उसमें जीतते हैं तो आप एक बहुत अच्छा कंपाउंडिंग प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान नहीं देना कि बड़ा अमाउंट जीतना है, इसमें आपको छोटे से छोटे उस पर ध्यान देना है, जैसे 2% 3% मैक्सिमम। इसमें आपको 5% 10% 20% नहीं निकालना है। और इस मैथमेटिक एक्सपर्ट्स का भी लिंक आपको सेम बाकी सब लिंक्स की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज गिव अ लुक। दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं कि कंपाउंडिंग लोग कब स्टार्ट करते हैं, क्यों स्टार्ट करते हैं, कौन से टाइम पीरियड में स्टार्ट करते हैं, क्या इसके फ्रेम्स रहते हैं, थोड़ा इसके बारे में डीपली जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कंपाउंड का कॉन्सेप्ट लोग बाग जब लेके आते हैं, कंपाउंडिंग लोग बाग जब करते हैं जब वो अपने प्रॉफिट को टाइम के साथ इंक्रीज करना चाहते हैं। बट कंपाउंडिंग करने से पहले कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, जिसमें से पहला पॉइंट है कंटिन्यूसली विनिंग। इसका मतलब जो भी नए प्लेयर्स हैं या जो कोई भी नया है जो देखता है कि कंपाउंडिंग आज से स्टार्ट कर दूं, उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। जिन्हें एटलीस्ट 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है या जिन्हें अच्छा एक्सपीरियंस है या जो अच्छी प्रोबेबिलिटी निकालते हो गेम्स की, वो लोग इस पे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्मॉल ही सही बट विनिंग कंटिन्यू चाहिए। लाइक 3 से 4 बैट 5 बैट आपकी एटलीस्ट कंटिन्यू पास जानी चाहिए, जब ही आप कंपाउंडिंग के लिए रेडी हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट रहने वाला है हमारे इसके अंदर डिसिप्लिन। आप लोग अगर एक्सपीरियंस है तो जरूर आप लोग अपने लिए स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, पूरा प्लान तैयार कर लेंगे, अपनी बैटिंग लिमिट्स कर लेंगे, अपनी लॉसिंग लिमिट कर लेंगे। बट अगर डिसिप्लिन कर पाते हैं और इसको डिसिप्लिन से फॉलो कर पाते हैं तो ही
आप कंपाउंडिंग को पॉसिबल कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इसी के साथ जो हमारा थर्ड पॉइंट रहने वाला है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कई मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे भाई हैं जो कोशिश करते हैं कि एक महीने दो महीने ही कंपाउंडिंग करके देखते हैं, बड़ा बड़ा टारगेट ले लेते हैं अपना और अपना सारा पैसा खो बैठते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं है। आप एक महीना दो महीना के लिए नहीं कर सकते इसे, एटलीस्ट मिनिमम 6 months आपको चाहिए, जिससे अगर आप छोटा छोटा प्रॉफिट भी अगर निकाल रहे हैं तो 6 months में आपको एक बहुत अच्छा बड़ा प्रॉफिट दे पाएगा और 2% निकालना आपके लिए मुश्किल भी नहीं होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जिसका कहना है स्टेबल बैलेंस। स्टेबल बैलेंस, स्टेबल बैंक रोल बैलेंस यू कैन से, आप लोग मतलब बोल सकते हैं। इस पॉइंट्स के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा स्टेबल बैलेंस में कि आपको आपकी हर बैट के साथ, जो भी आप बैट करने वाले हैं, हर बैट का अमाउंट आपका आपके बैंक रोल के परसेंट के बिहाफ पे हो। आप पूरे मतलब ये मैं डीपली इसके बारे में कॉन्सेप्ट लाऊंगा आपके लिए, बट नॉर्मली आपको बता दूं कि बैंक रोल अगर आपका 10,000 रुपये और आपने अगर सोच रखा है आपकी हर बैट सिर्फ और सिर्फ 1% या 2% की होने वाली है, तो उसको आप अगर जीत जाते हैं तो जैसे कि 10,000 का 2% अगर आप लगाते हैं तो मेरे ख्याल से वो 200 रुपये होता है, तो 10,200 रुपये का फिर आपको नेक्स्ट बैट अगर लगानी है तो वो लगानी है उस परसेंट के हिसाब से, ना कि सेम वाली जो पहले बैट आपकी गई है सेम, क्योंकि सेम बैट्स अगर आप लगाते हैं तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाता है प्रॉपर। तो आपको उस पर मैनेज करना है अपनी बैट्स को पूरे बैक रोल के साथ, कि आपको कितने की बैट रखनी है, फर्स्ट बैट कितने की रखनी है, सेकंड बैट कितने की रखनी है, जब आप हार जाते हैं तब आपको बैट को क्या प्रॉब्लम रखना है, इस तरीके का स्ट्रक्चर भी आपको अपने माइंड में लेके चलना है और एक बना के रखना है कि मेरे को इस तरीके से अपना गेम प्ले करना है, तभी आप इसको पॉसिबल कर सकते हैं। दोस्तों फिफ्थ नंबर पे जो मैंने मेंशन किया है टॉपिक को, वो है स्पेसिफिक गेम्स को लेके। जैसे कि आजकल आप लोग अगर सोचते हैं कि गेम ऑफ चांस से भी हम लोग कंपाउंडिंग पॉसिबल कर सकते हैं या विनिंग को कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं, या हम लोग इस पे बार बार प्ले करते हैं, एक बार नहीं आया दूसरी बार आएगा, दूसरी बार नहीं आया तीसरी बार आएगा, तो वो बहुत गलत सोच है आपकी। इसके अंदर आर्टिकल्स के अंदर मैंने सबसे ज्यादा ये पढ़ा कि ये लोग जो है जैसे कि ब्लैक जैक, पोकर, रूलेट एंड स्पोर्ट्स बैटिंग्स, इनके ऊपर कंपाउंडिंग इन लोगों ने पॉसिबल करके दिखाई है। अभी तक मैंने किसी का भी आर्टिकल ऐसा नहीं पढ़ा जिन्होंने गेम ऑफ चांस के ऊपर अपनी कंपाउंडिंग पॉसिबल करी हो। तो इसका भी अच्छे तरीके से ध्यान रखें, चूज करें स्किल्स वाले गेम जहाँ पे आप प्रोबेबिलिटीज एंड स्टेटिस्टिक्स को अच्छे से रिव्यू कर पाए। सिक्स्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, इस वीडियो का नहीं, इस टॉपिक का, क्या क्या आपको गेमिंग के लिए कौन से प्लेटफॉर्म यूज करने चाहिए। तो मैं आपको आज एक चीज बता दूं कि इंडिया के अंदर अगर आप इंडिया की वेबसाइट्स को यूज कर रहे हैं और इंडिया के अंदर गैम्बलिंग को लेकर अगर कुछ भी रूल्स के अंदर चेंजिंग आती है तो वहां पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है विड्रॉ के टाइम पे। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप 6 months की कंपाउंडिंग लेके चल रहे हैं तो इसको इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे प्ले करें, डोमेस्टिक वेबसाइट्स को अवॉइड करें मैक्सिमम टाइम्स। कंपाउंडिंग जैसे कॉन्सेप्ट गैम्बलिंग के साथ रिस्की किस तरीके से है या किस तरीके से नहीं है, इसके लिए एक एग्जांपल और आपको देना चाहूंगा जो कि सीजेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है यूरोपियन, वहां के कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर्स ने मिलकर एक टीम बनाई, टीम के साथ उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने एक ऑप्टिमल स्पोर्ट्स स्ट्रेटजी को स्टडी किया जिसमें कैली क्रिएशन जैसे मेथड्स को जोड़कर उन्होंने देखा मल्टीपल प्रॉफिट्स को। मल्टीपल प्रॉफिट्स कैसे थे कि स्मॉल स्मॉल विनिंग्स हो रही थी, कंटिन्यूसली हो रही थी और ये प्रॉफिट कंटिन्यूसली हो रहा था, और उन्होंने थ्योरिकली कंपाउंडिंग को पॉसिबल करके दिखाया। इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप जरूर देखिएगा। इसके अंदर इनके प्रॉफिट्स के साथ साथ इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया जो इनकी लूजिंग वाले चांसेस थे वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो गए थे, मतलब उनकी लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए थे इन पैटर्न्स को फॉलो करने के बाद। तो आप भी इन पैटर्न्स के बारे में वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी के साथ रिस्क फैक्टर को भी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो कुछ स्टडीज के अंदर ये भी देखा गया कि ऑनलाइन गैम्बलिंग में मैक्सिमम 95% मेल
जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन गैम्बलिंग से उनके दिमाग के अंदर रिक्स लेने की क्षमताएं ज्यादा बढ़ चुकी हैं और उनको मजा आने लगा है रिक्स लेने में। तो जो कोई भी वो प्रोटोकॉल तैयार करते हैं कि हम लोग कंपाउंडिंग कर पाएंगे स्टार्टिंग के दौर में 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना तो वो फॉलो कर पाते हैं, बट उसके बाद वो अपना आपा खो देते हैं जिससे कि उनकी गैम्बलिंग में चेंजिंग आ जाती है। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है बट वो करते नहीं है, वो करते वही है जो उनका दिमाग बोलता है, उनको एडिक्शन हो चुकी होती है रिस्क लेने की और उनको रिस्क लेने में मजा आने लगता है और जिस वजह से अधिकतर कंपाउंडिंग लॉस में चली जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब इन फ्यूचर आपके सामने इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इंटरेस्टिंग भी होंगी और आपका ज्ञान भी थोड़ा बढ़ाएंगी, जिससे कि आप लोगों की बातों में ना आके अपने पैसे की वैल्यू समझें और गैम्बलिंग से थोड़ा दूर बने रहें। और अगर आप इसके बारे में डीपली जानना चाहते हैं या किसी टॉपिक्स के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी लिंक में दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। जैसे मैं शेयर करता रहता हूँ जो कुछ भी मैं स्टडी करता हूँ उसको मैं टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ, अगर आप लोग वहाँ पे ज्वाइन होते हैं तो वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।